सुनील जी हैं पहले कॉलर हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो सुनील जी, आप लाइन पे हैं? हाँ जी, हाँ जी मैम जी, नमस्कार। नमस्कार सर। आकिम जी नमस्कार। सुनील जी स्वागत है आपका, जय हिंद। सर एक दो पॉइंट है मेरे। सर एक हमारे रिश्तेदार हैं जी। हाँ जी जी मैडम जी नमस्कार जी। हाँ तो सर एक हमारे रिश्तेदार हैं, लेडीज हैं, उनको पेट में दर्द रह रहा था। तो जब उनका पूरे टेस्ट कराए और ये अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो डॉक्टरों ने उनको बताया कि उनका दिल बड़ा हुआ है सर। तो इसका सर दिल बड़ा हुआ है, तो उन्होंने बोला 15 दिन की दवाई दी है, बोला नहीं तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपको ऐसे ठीक नहीं होगा। तो सर उसके लिए दवाई और दूसरा नजला जुकाम वगैरह जो होता है इनको जैतून का सिरका दे सकते हैं? अगर नहीं दे सकते तो उनके लिए क्या दें साहब? ठीक है। और तीसरा सर किसी और का ये लीवर और ये लंग्स किडनी दिल ना बढ़े या ना सुखड़े उसके लिए दवाई सर ये बताइए सारा, बड़ी मेहरबानी आपकी साहब। ठीक है सर। हाँ देखिए, जिनको दिल बढ़ा हुआ आया है उनको दो चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं, दो चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं। असली लें नमक जैतून, नकली बहुत मिलता है, नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा। दो चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं और एक बड़ी इलायची, बड़ी इलायची मतलब काली वाली इलायची, दो इलायचियाँ होती हैं, एक हरी इलायची जो छोटी इलायची होती है, एक काली इलायची जो बड़ी इलायची होती है, एक या दो बड़ी इलायची के दाने खा लें और ये नमक जैतून का पानी, दो चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर पी लें तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। और क्या सवाल है? जुकाम में जैतून का सिरका दिया जा सकता है किम साहब? हाँ, जुकाम वाले लोग जैतून का सिरका नहीं ले सकते, तो उन्हें नमक जैतून और खाने का सोडा, दो चुटकी नमक जैतून दो चुटकी खाने का सोडा पानी में मिला के पियेंगे तो वही फ़ायदा ये करेगा, लेकिन नज़ले को नुकसान नहीं पहुंचाता। इन्हें ये नुस्खा लेना चाहिए जी। लीवर की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम और दिल बड़ा ना हो, इसके लिए नुस्खा? ये जो नुस्खा मैंने बताया है लीवर किडनी और दिल के लिए और पेट के लिए, ये बहुत अच्छा नुस्खा है। जो लोग एहतियातन इसको लेना चाहते हैं तो वो ज़रूर लें। नमक जैतून दो चुटकी और एक या दो बड़ी इलायची खाकर ये नमक जैतून का पानी पी लें तो उनको फ़ायदा हो सकता है जी।